नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। स्कूल फीस लेट होने पर अभिभावकों से कहा जा रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं तो क्यों बच्चे को पढ़ाते हो। इतना ही नहीं, स्कूल में किए जा रहे अभद्र व्यवहार के कारण बच्चे डर से स्कूल छोड़ दिए हैं। मामला पेटलावाद महाशय धर्मपाल दयानंद आर्य विद्या निकेतन MDS स्कूल बामनिया का है। विद्यालय इस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी कि उन क्षेत्र में गरीब बच्चों को भी शिक्षा नसीब हो सके जो गरीबी के चलते शिक्षा से वंचित है, और स्कूल फीस के बोझ तले दबकर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। बमनिया में एक बड़ा स्कूल स्थापित किया गया जिसमें कम शुल्क पर बच्चों को शिक्षा दिया जाना था, किंतु वर्तमान में स्कूल प्रबंधन महाशय जी के सपनों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहा है। स्कूल के मैनेजमेंट कर्ता अपने आप को ही महाशय मानकर नियम कायदों के साथ स्कूल को संचालित कर रहे हैं और गरीब बच्चों के माता पिता का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं है। दरअसल ताजा मामला ग्राम बामनिया से सामने आया है, जहां एक बच्चे की स्कूल फीस में देरी हो जाने से उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था और बच्चे के माता पिता का मजाक भी बनाया गया। दरअसल ग्राम बामनिया में रतलाम रोड पर रहने वाले राकेश चौहान का पुत्र यथार्थ MDH स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ाई करता है, जिस स्कूल फीस समय समय पर माता पिता के द्वारा दे दी जाती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने से इस बार स्कूल फीस में थोड़ी देर हो गई, जिसके चलते स्कूल में कार्यरत मधु परिहार के द्वारा बच्चे को स्कूल में परेशान किया जाने लगा। इसके साथ ही माता पिता से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए फीस की मांग की गई और छात्र की माता पिंकी चौहान से फोन पर बात करते हुए कहा गया कि तुम्हारी हैसियत नहीं है तो अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो। क्या नाम है आपका? पिंकी चौहान। क्या है, आपके बालक को स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? सर वहाँ से बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, बार बार बदतमीजी करते हैं। फ़ोन पे हमने फीस जमा कर दी थी, मैंने कहा था 25,000 और बाकी है, इसमें अभी 15 दिन के अंदर पूरा कर दूंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो आपकी हैसियत नहीं बच्चों को पढ़ाने की, तब बच्चों को स्कूल पर पहुँचाना और पढ़ाना भी मत, ऐसी बदतमीजी करी सर मेरे से उन्होंने। फीस को लेकर और भी बच्चों को परेशान किया। मेरे बच्चा घर आके मेरे को रो के बोलता है कि मैं मम्मी मैं जाता हूँ तो पेपर लेके नहीं गया, तो मेरे को नीचे बिठा के खाना खिलाया, नीचे गंदे बच्चे जूते चप्पल लेके आते, मैंने वहाँ बैठ के खाना खाया। इस तरह से परेशान मेरे बच्चे को किया, मैंने फिर स्कूल पहुँचना बंद कर दिया मेरे बच्चों को। कौन से स्कूल में पढ़ता है? MDS स्कूल में पढ़ता है। कौन कर रहा है? क्या नाम है आपका? राकेश। आपके बालक को फीस न भरने की वजह से स्कूल में परेशान किए थे? तो सर अभी उन्होंने, मैडम ने एक शब्द गलत बोल दिया था, मैं इसलिए पहुंचा नहीं रहा हूँ बालक को। क्या हुआ था पूरा मामला? उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी औकात नहीं पढ़ाने की, तो मैंने उन्हें पहुंचाया इसलिए। अच्छा, क्यों बोला ऐसा, उन्होंने क्या कारण था? सर फीस की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, अभी मार्केट लेवल गिरा हुआ, अभी पैसे नहीं आ रहे किधर से, अभी तो इधर अभी 10,000 जमा करके आया था मैं, फिर मैंने बोला भर देंगे, जमा कर देंगे जमा करके, इसलिए थोड़ा सा रुक गया था मैं भी। तो उन्होंने बोला तेरे तुम्हारी औकात नहीं पढ़ाने के, मत पढ़ाया करो। तो वह ठीक है, मैं जिस दिन मेरा ये सोचा ये साल निकल जाए, कैसे भी करके सर्टिफिकेट लाना है और पैसे जमा करके इन कहानी ख़त्म करना है वहाँ से मेरे को, इसलिए मैं स्कूल में पढ़ता है। पूरा नंबर MDH ये महाशय दयानंद धर्मपाल महाशय धर्मपाल सरस्वती एकेडमी MDH स्कूल। और किस तरह से परेशान कर रहे थे बच्चों को? बस इसको कोई झूला झूलने के लिए मना बोल देते, खाना खाता तो उस समय परेशान करते थे, खाना खाता था टेबल बैठ के नहीं खाना आने तो। देखिए पहली बात तो आप जानते हैं कि ये ट्रस्ट का स्कूल है, सेवा भावना के हिसाब से संचालित किया जा रहा है। कोरोना काल में भी हमने पेरेंट्स लोगों को 50% फीस का डिस्काउंट दिया, जो पेरेंट्स रह गए थे उनको 25% दिया, अभी भी 10% डिस्काउंट दे करके जो पिछले साल की फीस है उन तक को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को लेकर तो हम ऑलरेडी बहुत संवेदनशील हैं, और जो आप बता रहे हैं कि कोई अभद्र व्यवहार है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा सारा स्टाफ सेवाभावी है और अपनी पूरी विनम्रता के साथ समाज में पेरेंट्स के साथ पेश आता है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को संपर्क करना चाहिए संस्था में, और अगर कोई ऐसी बात हो तो बिल्कुल मैं उस विषय पर बात करूँगा, मैनेजमेंट से करूँगा। लेकिन जहाँ तक है, जो स्टाफ का नाम आप बता रहे हैं उनके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि विनम्र हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई अभद्रता की होगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल
खुल गया, खुल गया। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।